हेलो भाई, सब सब कैसे हैं? भगवान की दुआ मनाते हैं। आप लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं। तो हाँ अमित, तुम बार बार गुनगुन के घर क्यों आता है? गुनगुन की शादी हो चुकी है फिर भी फिर चले आ रहे हैं, क्यों आ रहा है गुनगुन के घर खराब करने? हाँ, ये जो अमित से बहस कर रहा है, सॉरी ध्रुव से बहस जो कर रहा है इतना, देख उस अभी तो ध्रुव का वो उसकी बीवी हो गई है ना गुनगुन, तो तुम्हें तो यहाँ आना नहीं चाहिए कोई भी हाथ में। तुम बोल रहे जो हमारा मंगनी हो गया है, ठीक है मंगनी हो गया है, अब वो गुनगुन के ऊपर छोड़ दिया था कि तुम कौन लड़का को चूज करो करो, तो वो ध्रुव को चूज़ किया है ध्रुव को, तो ध्रुव से ही शादी हुआ। आप जो तुम जबरदस्ती के हमारे संग ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, तो तुम बीच में आ गया। आगे देखा था ध्रुव को ही, ध्रुव को सब कुछ पैसा लेन देन सब हो गया था, ठीक है, तो फिर भी तुम फिर तुम्हारा उसका ध्रुव का मम्मी पापा बोला नहीं उससे शादी नहीं देंगे, ये है लोग अपना फैमिली में जो भी बात हुआ बहसबाजी हुआ फैमिली मैटर है तो उतना नहीं बोलने मांग रहे, तो फिर तुमको बुलाया, मम्मी को बोले तुम्हारे मम्मी को, उसमें से तुमको फिर पसंद हुआ, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद फिर वो फिर आ गया, ये ध्रुव बोला नहीं ऐसा कैसे होगा मुझसे ये हुआ बात हुआ सब हुआ, तो फिर गुनगुन के ऊपर छोड़ा गया। गुनगुन डिसाइड किए कि नहीं हम तो करेंगे ध्रुव से शादी करें, बस हो गया। अब उतना क्या बार बार आना, बार बार तो उसको गुनगुन के पापा लाए, गुनगुन के पापा को गोली मारे, उसका पापा अभी जो बोल रहे हैं ना लेकर आए ना, उस समय कहाँ गया था जब बेटी को मर ही गया पिंडदान कर दिया, तो फिर बार बार क्यों ये सब करवा रहा है? ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ठीक है आज इतने तक।